मनहूस कहीं की दो दो बार विधवा हो गई है, फिर भी तुझे शर्म नहीं आता। मांगलिक कहीं की अब इतना मेकअप करके अब किसका बेटा को तू खाने वाली है। दो दो बार विधवा हो गई है फिर भी तू मेकअप कर रही है। और थोड़ी अपनी भाभी को भी घुमा लिया कर, सिर्फ अपने ही घूमने में रात दिन लगी रहती है। जिस तरीके से तेरी भाभी जो है चार दीवारों के अंदर रहती है, घुटते रहती है, और तू सिर्फ अपने भाई को लेके इधर उधर घूमते रहती है। थोड़ी अपनी भाभी को भी, नीतू को भी घुमा लिया कर। और जो सास ससुर तुम्हें अपना दो दो जवान बेटा सौंप दिया, दो दो बेटा सौंप दिया, वो बूढ़े माँ बाप को तूने गलत साबित कर दिया सोशल मीडिया पे। अब वो इंसान जो इस दुनिया में नहीं है, अपने पति को तूने बुराई कर दिया। और तू कुछ भी हो जाए तू रिकॉर्डिंग करना नहीं भूलती, तू मार भी खाएगी, लड़ाई भी हो करेगी, फिर भी तू रिकॉर्डिंग करना नहीं भूलती। तू कितना भी मार खा लेगी फिर भी तू रिकॉर्डिंग करना नहीं भूलेगी। जब तुम्हारा सूरज जी जो है तुम्हें पीट रहे थे उस टाइम तू रो रही थी, फिर तुम्हारा रिकॉर्डिंग कैसे हो रहा था? कहीं तुम्हारे सोचे समझे चाल तो नहीं था वो फैमिली को फंसाने के लिए? और वो बूढ़े माँ बाप का दुख तुम्हें दुख नहीं लग रहा है? तुम्हारा दुख दुख है और वो बूढ़े माँ बाप का दुख दुख नहीं है। जब तुम्हें तुम इसीलिए तो ससुराल से बाहर निकल के आई है कि तुम्हें वहां आजादी नहीं मिलता था, तुम्हें वहां फ्रीडम नहीं मिलता था। जब से तू ससुराल छोड़ के आई है तब से तुम घूमने में ही लगी हुई है। यही तो तू चाहती थी कि किसी तरीके से वहां से निकले। जब से तू यहाँ पे आई है, जब से तू यहाँ पे शिफ्ट हुई है अपने ससुराल को छोड़ के, तुम्हारा पैर जो है एक जगह नहीं टिक रहा, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, हमेशा घूमते ही रहती है। और बाहर जब निकल रही है तो कम से कम एक दुपट्टा तो ले लिया करो, बिना दुपट्टे को तुम इधर उधर घूमती हो। यही तुम्हारा संस्कार है, तुम्हारी माँ यही संस्कार सिखाई है। और तुम्हारी माँ भी तुम्हारे पैसे पे ऐसमोज करना चाह रही है। तो बस अपना दुख अपना होता है, दूसरे का दुख तो कोई दुख ही नहीं है। वो बूढ़े माँ बाप कौन से कंडीशन में होंगे उसके बारे में तू कभी नहीं सोचा। बस वो बूढ़े माँ बाप को नीचे दिखाना है तुम्हें। सो हेलो एवरीवन, आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। लगातार सपना के कमेंट में, पहले जो है सपना के कमेंट में 100 कमेंट में 80 कमेंट पॉजिटिव आता था और 10-20 कमेंट नेगेटिव आता था। यहीं पे अब जो है सपना के कमेंट में अब 80 कमेंट नेगेटिव आ रहे हैं और 10 से 20 कमेंट पॉजिटिव आ रहे हैं। ऐसा क्यों? जो लोग सपना को पसंद करते थे, जो लोग सपना को इतना प्यार करते थे, वही लोग सपना को अब जज करने लगे, वही लोग सपना को अब नेगेटिव कमेंट करने लगे। ऐसा क्यों? सपना को लोग इतने गलत गलत कमेंट करते हैं कि सच में सुन के ना मतलब अफसोस होता है कि भगवान आपने उस बच्ची के साथ इतना अन्याय कैसे किया, क्यों इतना दुख दिया? क्योंकि कोई भी लड़की नहीं चाहती है कि मेरा पति इस दुनिया में ना रहे, कोई भी पत्नी नहीं चाहती है। हर पत्नी चाहती है कि हमारा पति हमेशा मेरे साथ रहे, यहां तक कि अपने पति के लिए फास्ट भी रखती है। भगवान तो उसकी जिंदगी में दो दो पति दिया मगर सुख एक भी पति को नहीं दिया, तो उसमें उसका क्या, उस बच्ची का क्या, उस लड़की का क्या दोष है? मात्र उसका 25 साल ही उम्र है और उस 25 साल की उम्र में उसकी पूरी जिंदगी ही तबाह हो गई। कोई जो है 25 साल में अपनी जिंदगी का शुरुआत करता है और करती है, मगर यहाँ पे उसकी 25 साल में पूरा लाइफ ही खत्म हो गई। और रही सास ससुर की बात, तो सास ससुर खुद इतने नेगेटिव हो गए हैं कि मत पूछो किसके बहकावे में आ गए हैं। सपना के सास ससुर जो हैं अपने भाई का बेटे को गोद लिया है, भतीजा को। अभी जो है मथुरा का घर अभी बन रहा है, अभी कुछ काम हुआ है, कुछ काम बाकी है, मगर कुछ ही टाइम में बन के तैयार हो जाएगा। सपना बोली कि जैसे ही वहाँ मथुरा का घर बन के तैयार होता है बस अपने मायके की भाई भतीजा के साथ वहाँ पे पूरे फैमिली के साथ रहेंगे। और मैं यहाँ से निकली हूँ तो मैं एक जगह तो बैठी तो नहीं रहूंगी ना, क्योंकि सपना का ब्लॉगिंग का काम है। अब एक जगह बैठ के कैसे ब्लॉगिंग कर सकती है? एक जगह बैठ के अगर ब्लॉगिंग करेगी तो आप सब खुद बोर हो जाओगे। और उसको लाइफ को
जानना है कि इसका आगे पीछे कोई नहीं है। अब उसकी दो दो बेटियों का जिम्मेदारी है। अगर वो अभी भी सीधा साधा बन के रहेगी तो उसकी बेटियां का आने वाला भविष्य के बारे में कौन सोचेगा, क्योंकि उसके आगे पीछे कोई भी आदमी नहीं है, उसका पति नहीं है। ऐसे पति रहता है तो एक औरत जो है बहुत ही ढीली पड़ जाती है कि चलो भाई मेरा पति मेरे साथ है और हम दोनों मिलके डिसीजन लेंगे। मगर यहाँ पे सपना को हर एक चीज़ को अपने से खुद से करना पड़ेगा। अभी इसकी दोनों बेटियां का पूरे अभी लाइफ बचा हुआ है, पूरा भविष्य बचा हुआ है, इसकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ बचा हुआ है। तो अगर एक जगह चार दीवारों के अंदर ही बैठी रहेगी तो क्या उसको देश दुनिया के बारे में इतना नॉलेज होगा, पता होगा? क्या आप चाहते कि सीधा साधा बन के चार दीवारों के अंदर सपना बैठी रहे? क्या आप चाहते हैं? और रही सास ससुर के बात, तो सास ससुर शुरू से ही अपना भाई भतीजा कर रहे हैं। जब सपना के सास ससुर का भाई भतीजा आता है तो बहुत ही प्यारा लगता है। वो बूढ़ी हो गई है फिर भी उनका भाई और इनके मायके की फैमिली जब आती है तो बहुत प्यारा लगता है उनको और बहुत खुश हो जाती है। मगर यहीं पे बहू के मायके से बहू के माँ बाप या भाई कोई भी मेंबर आ जाए तो अच्छा नहीं लगता है। तो क्यों, जैसे आप अपने दिल से सोचते हो कि मेरा भाई भतीजा आया है, मेरे मायके का फैमिली आई है, तो आपको दिल से खुशी होती है ना। इसी तरीके से अगर आप भी सोचते कि मेरा बहू की परिवार है, मेरा बहू की फैमिली है, भाई है, भतीजा है, कुछ भी है, तो शायद ये नौबत अभी नहीं आता, अगर थोड़ा भी समझदारी से आप काम लेते तो। मगर यहाँ पे मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि सपना के सास अगर थोड़ा भी समझदार होती कि इस दुनिया में अब मेरा बहू और मेरे दोनों पोतियों के अलावा कोई नहीं है, तो शायद जो सपना के सास की ज़िंदगी में और सपना की ज़िंदगी में जो अभी दुख तकलीफ़ें आई हुई है ना, शायद ये फिर नहीं दोबारा से आता। हाँ, मानते हैं कि वो बूढ़े माँ बाप का वियोग है, दो जवान बेटे खोने का नॉर्मल दुख नहीं है। रात दिन जब भी सोते होंगे वो दोनों, तब भी सपने में आँख खुलते ही दोनों बेटा ही दिखता होगा, क्योंकि एक माँ बाप अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चे को पोसने में लगा देती है, पूरी ज़िंदगी का कमाई पढ़ाई लिखाई में लगा देती है। तो हम मानते हैं कि वो बूढ़े माँ बाप का दुख छोटा सा दुख नहीं है। जवान बेटा इस दुनिया में जाना एक माँ बाप को सबसे बड़ी दुख और वियोग और क्या हो सकता है, हम मानते हैं। मगर उस बहू की भी क्या गलती है, वो बहू खुद अपनी इतनी दुख है कि जितना दुख आपको है उतना ही दुख आपकी बहू को है। तो आप दोनों एक दूसरे को दुख को समझते, मगर नहीं, सपना का ससुर जी इतने चालबाज निकले कि बेटा बेटा कह के सपना को अंदर से खाली कर दिए, सपना को अंदर से खाली कर दिए। जितनी भी जब तक सपना भरी पूरी थी, जब तक सपना के पास पैसे थे, तब तक सपना और ससुर जी और सास ससुर के बीच में रिश्ता अच्छा था। जैसे ही सपना के ससुर जी सपना से सारा पैसा निकलवा लिया, वैसे ही सपना को लात मार के बाहर कर दिया और फिर वही सास ससुर अपना वंश को बढ़ाने के लिए अपना पोतपुत आगे ले लिया, मतलब अपनी भतीजा को गोद ले लिया। यहाँ तक कि लोग कर रहे हैं कि सपना के ससुर जी शादी करने वाले, इतना मुझे वो नहीं है, क्योंकि सपना इस चीज़ पे इतना खुल के बातें नहीं करी। क्यों, कर भी सकते हैं भाई, अभी जवान है तो कर भी सकते हैं। मगर मुझे उस बात की दुख नहीं है, दुख इस बात की है कि सपना ने अपनी ज़िंदगी से अपनी सोशल मीडिया की कमाई से चार चार फ्लैट लिया था, सब चारों फ्लैट को बेचवा दिया। अगर आप सब बोलते हो कि सपना का पहले ही मूड था, फ्रीडम चाह रही थी, घर को ससुराल को छोड़ना चाह रही थी, तो अगर उसको पहले से प्लानिंग होता ना तो फ्लैट को नहीं बेचती, चारों फ्लैट को नहीं बेचती, ठीक है, और बेच के अपने ससुर के हाथ में पैसा नहीं देती। सपना सोचती थी कि ससुर जी जो कुछ भी कर रहे हैं सब हमारे और हमारे बच्चे के लिए ही तो कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। मगर सपना इतना अनजान थी कि ससुर जी सपना के साथ चालबाज कर रहे हैं, चाल खेल रहे हैं, मरे हुए पति से भी बेदखल कर दिया, हर चीज़ से बेदखल कर दिया।
सपना के पति का डेथ सर्टिफिकेट पे ससुर जी जो है सपना का नाम नहीं डलवाया, इतने बूढ़े हो गए, उनको इतना नॉलेज नहीं था, ये सब कुछ जानबूझ के ये सब चाल चल रहे थे। राजवीर जी के अकाउंट में 25 लाख रुपये था, 1-2 रुपये नहीं, 25 लाख रुपये। अगर सपना को सच में ससुराल छोड़ के जाना होता तो पैसे निकाल को नहीं देती अपने राजवीर जी के अकाउंट से, क्योंकि जब पति का डेथ हो जाता है ना तो सब कुछ पत्नी के नाम से हो जाता है। तो सपना को बहुत ही चालबाज तरीके से, बहुत ही षड्यंत्र तरीके से सपना का खाली किया गया है, और जैसे ही सपना पूरी तरीके से खाली हो गई है तो उसको बाहर, घर से बाहर निकाल दिया। थोड़ा भी नहीं सोचा कि मेरा सबसे बड़ा धन संपत्ति मेरा बेटे का निशानी हो। जरूरी नहीं कि बेटा ही वंश होता है, अगर बेटी को मान सम्मान इज्जत और सही तरीके से पालन पोषण करता है, होता है, तो बेटा से बढ़ के बेटी सेवा करती है, इज्जत देती है, हर चीज देती है। सो गाइस, आगे मैं और क्या बोलूं, आप सब कमेंट को आप देख ही रहे हो, सारा कमेंट मैंने लगा ही दिया, इस तरीके से कमेंट लोग जो है सपना के खिलाफ लिख रहे हैं। तो प्लीज मैं आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपना सोचने समझने की जो मेंटेलिटी है ना उसको आप चेंज लाइए, क्योंकि देखिए दुख तो दोनों का है, वो माँ बाप अपने 2 जवान बेटा खोया है तो वो पत्नी भी अपना 2 पति खोया है, तो दुख तो दोनों का है। और थोड़ा सा गहराई से सोचिए कि अगर सपना को सच में घर छोड़ के, ससुराल छोड़ के अगर उसको फ्रीडम चाहिए था तो अपना फ्लैट बेच के ससुर को नहीं देती, राजवीर जी के अकाउंट से साइन करके 25 लाख रुपये ससुर के हाथ में नहीं देती, मथुरा के घर में नहीं लगाती, मगर यहाँ पे मथुरा का घर या कोई भी प्रॉपर्टी में हिस्सा देने से साफ साफ मना कर दिया ससुर जी ने, यहाँ तक कि पति का दिया हुआ निशानी गिफ्ट कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। जाते जाते मैं बोलना चाहूंगी, सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अगर आप सावधान, सतर्क और सुरक्षित रहते हैं तो हमारे देश में होने वाला क्राइम काफी हद तक कम हो सकती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों, मैं पंखा बंद करके मैं वीडियो बना रही हूँ, इसलिए मुझे पसीना आ रहा है, ताकि आवाज़ जो है आप सब तक क्लियर पहुँचे। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, और नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।